नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, हमारा अध्याय चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने देखा था यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए थे। इसी अध्याय के साथ आज शुरू कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शेषफल थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, शेषफल थ्योरम जो है, शेषफल परिमेय है वो क्या होता है, इसी नंबर सिस्टम अध्याय के साथ आज की कक्षाओं की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो साथियों, ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, शेषफल परिमेय। देखो, जैसे यदि मैं 39 के अंदर 7 का भाग देता हूँ, यदि मैं 39 के अंदर 7 का भाग देता हूँ तो 7 × 5 = 35, 5 बार भाग पूरा चला जाता है, शेषफल आता है 4। कितना आता है शेषफल? 4। शेषफल 4 आता है। देखो भाई, जब मैंने 39 के अंदर 7 का भाग दिया, कितना है शेषफल? 4 आया। ये तो हमारी नज़रों में है बहुत छोटा है, तब हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन बहुत बड़े संख्या दे रखी हो, जब मल्टीप्लाई की शर्त में हो, या जोड़ की शर्त में हो, या गुणा की शर्त में हो, या भाग की शर्त में हो, तब कैसे करोगे? इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान एक ट्रिक अपनाएंगे हम रिमाइंडर थ्योरम की। तो देखो भाइयों, देखो सामने, देखो जो शेषफल है, जब मैंने 39 के अंदर 7 का भाग दिया, जो ये 7 है, ये है क्या है, ये है भाजक। क्या है भाई? 7 है, ये भाजक है, और जो ये 39 है, ये भाज्य है। 5 बार भाग पूरा चला जाता है, 7 × 5 = 35, जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, ये है रिमाइंडर। शेषफल 4 आता है शेषफल, और ये है जो 5 आया, ये है भागफल। देखो भाई, हमने 39 के अंदर जब 7 से भाग करा, तो 7 × 5 = 35, 5 बार भाग पूरा चला जाता है, जो शेषफल आया वो क्या आया? 4 आया। तो रिमाइंडर ये होता है, रिमाइंडर ये होता है, जो शेषफल होता है ये होता है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर देखो, 39 के अंदर जब 7 से भाग किया, ये तो बहुत छोटा नंबर है, यदि बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे? एक आसान सी ट्रिक सीखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है जिसका अध्ययन करेंगे हम। साथियों, जब इसको आप रटने की कोशिश करोगे तो कभी भी सीख नहीं पाओगे, लेकिन यदि आपने आने वाली 10 मिनट के अंदर अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखकर ध्यान से कंसंट्रेशन करेंगे तो सीख पाओगे। देखो, आपका ध्यान है वो बिल्कुल बोर्ड की तरफ होना चाहिए, आपकी जो आई है वो लेफ्ट राइट या अप डाउन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखो भाई, एक बात देखो, मैं लिखता हूँ आपके सामने, जो 39 है इसके अंदर मैंने भाग दिया 7 का, जब 7 का भाग दिया तो भाग 7 × 5 = 35, 5 बार पूरा चला गया, और रिमाइंडर आया, वो आया प्लस का 4। यदि मैं 39 से आगे वाली संख्या में 7 का भाग दूं, तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 6 बार दें तो 42 आता है, यानी 42 है वो 39, 42 और 39 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का? 3 का, तो -3। देखो, अभी आपको प्लस माइनस का लोड नहीं लेना है, एक बार आपको सिर्फ यही देखना है कि जब मैं 39 के अंदर 7 का भाग देता हूँ, 7 × 5 = 35, शेषफल 4, यदि मैं 7 को 7 × 5 = 35 से आगे करूँ, 7 × 6 = 42, तो 42 है उससे 39 कितना कम है? माइनस का 3 कम है। देखो, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आपको एक बार कुछ लोड नहीं लेना है, अपनी मस्तिष्क की सीमाओं पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करना है। तो देखो भाई, सामने देखो, यदि मैं 45 के अंदर
यदि मैं 45 के अंदर 8 का भाग देता हूँ, मैं जानता हूँ कि 8 पंजो 40 भाग 5 बार पूरा पूरा चला जाता है, जो शेष फैलाता है वो कितना आता है, प्लस का 5। और यदि 8 पंजो 40 8 6 48 यानी माइनस का 3, जो 48 है उससे 45 कितना कम है, 3, तो माइनस का 3। एक और देखो, जैसे यदि मैं 89 के अंदर 10 का भाग देता हूँ तो कितनी बार भाग पूरा, 8 बार पूरा पूरा चला जाता है, यानी 80 प्लस 9, और 90, 9 बार देने के लिए एक कम है, यानी 90 89 है, जो 90 से कितना कम है, एक कम है। तो अब समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना भाई। देखो साथियों, एक बार आपको प्लस माइनस का लोड नहीं लेना है, 3 देखना है, इसको माइनस 3 नहीं देखना है, इसको देखना है 4। तो देखो, यदि मैं प्लस और माइनस का लोड ना लूँ, एक बार इसको 3 ही लिखो आप, तो इसको 4 ही लिखो, तो 3 और 4 7, यानी जो आएगा रिमाइंडर, पॉजिटिव और नेगेटिव का रिमाइंडर आएगा, वो इनका क्या होगा, दोनों का योग करेंगे। यदि हम इन दोनों का योग करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। समझने की कोशिश करना, 5 और 3 करते हैं तो 8 आता है, 9 और 1 करते हैं तो 10 आता है। ये क्या कर दिया, बस इतना ही समझना है, रिमाइंडर थ्योरम यही समझना है। देखो भाई, समझने की कोशिश करना, आगे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना। देखो भाई, देखो साथियों, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, समझने की कोशिश करना। यदि मैं, क्वेश्चन ये है, इनटू इनटू का शेषफल क्या होगा, देखो भाई सामने देखो, 10,027 इंटू 76 इंटू 10,091 इंटू 99 बट्टा 25 का शेषफल क्या होगा। यदि आप इसको नॉर्मल तरीके से सोल्व करने बैठ गए तो टाइम बहुत लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे करेंगे तो टाइम लगेगा, भाग करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद भाग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, आपको जो शेषफल प्लस या माइनस का लोड नहीं लेना है, आपको तो छोटा नंबर देखना, क्या देखना है, छोटा नंबर। मैं जानता हूँ कि जब मैं किसी संख्या को 25 से भाग देता हूँ तो उस संख्या के लास्ट में 2 अंक या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो या 100 हो, 00 हो लास्ट। तो देखो, इस पूरी संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है। देखो 25 का जब मैं 27 में भाग देता हूँ तो एक बार पूरा पूरा चला जाता है, जो शेष फल आता है वो कितना आता है, 2 आता है, यानी मैं लिख देता हूँ प्लस का 2। 25 75 शेष फल आ गया प्लस का 1। अब देखो लास्ट के 2 अंक 91, जबकि 00 होना चाहिए, यानी 100 से कितना कम है, 9 कम है। यदि 9 और मिल जाता तो भाग पूरा पूरा चला जाता, तो हम लिख देते हैं माइनस का 9। क्या लिख देते हैं, माइनस का 9। यहाँ पर भी यदि 100 होते तो भाग पूरा पूरा चला जाता, लेकिन कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस का 1। तो अब देखो, यहाँ पे आया प्लस का 2, यहाँ पे आया प्लस का 1, यहाँ पे आया माइनस का 9, और यहाँ पे आया माइनस का 1। अब देखो, 2 × 1, एक बार प्लस माइनस का लोड नहीं लेना है आपको, 2 × 1 2, 9 × 2 18, 18 × 1 18, यानी क्या आ गया, 18। प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या करते हैं तो हो जाता है प्लस, तो हो गया 18 का, 18 जो आया वो प्लस का आ गया। तो अपना जो शेष फल आया वो क्या आ गया, शेष फल 18 आ गया, क्या आ गया, 18 आ गया। अब देखो, यदि ऐसा आ जाता ये माइनस का 18 आ जाता तो क्या करते, माइनस में आंसर नहीं दे सकते, तो क्या करते,
यदि माइनस का 18 आ जाता तो हम क्या करते, 25 में से माइनस का 18 क्या कर देते, घटा देते। हम जानते हैं, हमने देखा था कि जब एक माइनस का सिंबल हो, एक प्लस का सिंबल हो, दोनों का योग होता है, वो क्या होता है, जो अपना भाजक होता है वो होता है। तो यहाँ पे देखो, यदि माइनस के 18 आ जाते तो 25 में से 18 घटाने पर कितना आता, रिमाइंडर कितना आ जाता, 7 आ जाता। शेष फल कितना आ जाता, 7 आ जाता। समझो साथियों, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान में यही रखना है कि हमें सबसे छोटा नंबर लेना है, प्लस माइनस का लोड नहीं लेना है, प्लस माइनस का लोड नहीं लेना है। आप देखो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। 104 × 97 बट्टा 25। 104 × 97 को जब 25 से भाग देते हैं, का शेषफल क्या होगा, का रिमाइंडर क्या होगा, का शेषफल क्या होगा, का शेषफल क्या होगा, क्या होगा। देखो, यदि मैं साधारण तरीके से करूं इस क्वेश्चन को, तो 104 को पहले 97 से मल्टीप्लाई करता हूं, उसके बाद 25 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि 104 × 97 है, ये 25 से डायरेक्ट कट तो नहीं रहा, टाइम लगेगा, लेकिन हमें तो ना ही तो मल्टीप्लाई करना है, ना ही उसके बाद उसको डिवाइड करना है, हमें डायरेक्ट शेषफल प्रमेय निकालना है, डायरेक्ट शेषफल थ्योरम निकालना है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है एग्जाम में। तो देखो भाई, 104, देखो 104 जो 00 जो 100 है उसके पास में है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, जो शेषफल आ गया, क्योंकि 100 से ज़्यादा है 104, तो रिमाइंडर आ गया प्लस का 4। जो 97 है वो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है सर, माइनस का 3 कम है, यानी 3 कम है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। अब कैसे करेंगे, आपको प्लस माइनस का लोड नहीं लेना है, आपको 4 × -3 कर देना है, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का कितने आ गया, -12। -12 आंसर नहीं दे सकते दोस्त, -12 आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि शेषफल कभी भी इसका माइनस में नहीं आएगा। तो क्या करें सर, देखो भाई, 25 में से 12 घटा दो, आ जाएंगे 13, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ मेरे दोस्त, समझ। जब मैंने 104 को 97 से मल्टीप्लाई किया, जब 104 को 97 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 25 से भाग दिया, तो जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, देखना है अपने को। तो देख देख दोस्त, 104 100 से प्लस 4 ज़्यादा है, और 97 100 से -3 कम है, यानी 3 कम है, तो 25 से भाग देते हैं, तो देखो 4 × 3 = 12, प्लस × माइनस क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 12 घटा दे, रिमाइंडर कितना आ गया, 13 आ गया। और क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे मल्टीप्लाई की शर्त में हो, चाहे जोड़ की शर्त में हो, चाहे घटाव की शर्त में हो, शेषफल थ्योरम निकालना बिल्कुल इजी है, जिसने ये समझ लिया। जो पहले बताया था मैंने, 39 को जब 7 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथ्स को सीखने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जब क्लास पूरी हो जाए उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाने पड़ते हैं और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी मैथ समझ में आती है दोस्त, ऐसे नहीं आती है, जब हमने एक बार वीडियो देख लिया और छोड़ दिया, कभी नहीं आएगी समझ। इसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार समझ लिया, एक बार ध्यान से देख लिया, 30 मिनट आधी घंटा यदि हमने डेली की निकाल दी मैथ्स के लिए, तो आसान भाषा में आसान तरीके से समझ पाओगे, हम आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, 1872 × 1944 − 1944 − 1648, 1872 × 1944 − 1648 को जब मैं 25 से डिवाइड करता हूँ, 25 का भाग देता हूँ, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा। तो देख दो, देखो भाई, देखो दोस्तों, कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि 25
25 को जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसके अंतिम दो अंक या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, या 00 हो। तो 25 75 से कितना कम है? 72। 3 कम है सर, -3। कितना कम है? 3 कम है। 25 दूनी 50, इसके जस्ट पास वाला नंबर देखना है, यानी लोड लेना है अपने को, प्लस माइनस का लोड नहीं लेना है। अपने को जो लोड लेना है वो लेना है छोटे नंबर का लोड लेना। तो जो 44 है वो 50 से कितना कम है? 6 कम है सर, तो माइनस का 6। 25 दूनी 50, जो 48 है वो 50 से कितना कम है? माइनस का सर 2 कम है, तो माइनस का 2। हमें माइनस प्लस का लोड नहीं लेना है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 × -6 × -2, क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई का है, इसलिए मल्टीप्लाई किया। यदि यहाँ प्लस होता तो प्लस का लगाता। देखो 6 3 18, 18 2 36, -(-) प्लस प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस, तो -36। ये क्या है? आ गया सर 36, और जो 25 से भी बड़ा है और माइनस में आए। अब इसको क्या करें, कैसे करें? तो देख दोस्त, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, सामने देखते जा। देख देखो बच्चों, 25 को जब 36 को जब मैं 25 से भाग देता हूँ, एक बार आपको जो माइनस का सिंबल है उसको देखना नहीं है, जो माइनस का चिन्ह दे रखा है उसको मत देख। तो देखो, यदि मैं 36 के अंदर 25 का भाग देता हूँ तो 25 एकम 25, जो शेष फल आता है वो कितना आता है? 25 25 एकम 25, यानी 11। 25 एकम 25, यानी 11। और यदि मैं 25 दूनी 50 करता हूँ तो शेष फल आता है वो कितना आता है? -14। -14। यदि ये माइनस है तो माइनस वाला शेष फल ले लो, यदि ये माइनस है तो ये माइनस वाला ले लो, तो शेष फल क्या हो गया? शेष फल कितना ले लेंगे हम? यदि ये माइनस है, यदि ये माइनस है तो ये माइनस वाला शेष फल ले ले लेंगे हम, तो क्या हो गया शेष फल? 14। क्या हो गया? 14 हो गया। देखो 6 3 18 18 2 36, 6 3 18 18 2 36, ये शेष फल कितना आया? शेष फल कितना आया भाई? शेष फल 36। ये माइनस के सिंबल का लोड नहीं लेना है, हमें देखना है कि जब मैं 36 के अंदर 25 का भाग देता हूँ तो कितना शेष फल? 11। लेकिन यदि मैं 36 से बड़ी संख्या देखूँ जो 25 से भाग चला जाए उसके अंदर, तो वो होती है 50, यानी 50। तो इसका आ गया -14, तो माइनस, ये माइनस का सिंबल है तो माइनस वाला ले लेंगे, तो शेष फल जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक बार समझना, देखो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन ये है, 1873 × 1942 × 1649 × 1649/, या इसको जब 25 से डिवाइड करते हैं तो का शेष फल क्या होगा? का शेष फल क्या होगा? माइनस प्लस का लोड नहीं लेना है, हमें देखना है छोटा नंबर। क्या देखना है भाई? छोटा नंबर देखना है सर। तो देखो 1873 × 1942 × 1649 × 1649 को जब मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो उसका शेष फल जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? तो देखो भाई, 25 75, 75 से 73 कितना कम है? 2 कम है, तो -2। 25 दूनी 50 से जो 42 है वो 8 कम है, तो -8। 25 दूनी 50 से जो 49 है, 49 है, वो 1 कम है, तो -1। तो देखो 2 × 8 × 1, यानी ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। 2 × 8 16, 16 एकम 16, 16 एकम 16। माइनस 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 × माइनस, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस। माइनस में जो माइनस में हम आंसर नहीं दे सकते तो क्या करें?
माइनस मान सो नहीं दे सकते है, तो क्या करे, तो 25 माइनस 16, जब मैं 25 में से 16 घटाता हूँ तो कितना आता है, 9 आता है, तो शेष फल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। शेष फल क्या हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा। एक बार फिर समझना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को फिर से समझना। 1873 मल्टीप्लाई 1942 मल्टीप्लाई 1649 को जब मैं 25 से भाग देता हूँ, जब मैं 25 से भाग देता हूँ, मैं जानता हूँ कि 25 से 25 की जो भाजकता का नियम है, या किसी भी संख्या को जो 25 से भाग देते हैं तो उसके अंत में या तो 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, या 00। तो देखो 25 75 जो 73 है वो 2 कम है, 25 दूनी 50 जो 42 है वो 8 कम है, और जो 25 दूनी 50 जो 49 है वो 1 कम है। कम है तो माइनस माइनस माइनस, जब मैं 2 को 8 से गुणा किया तो 16, 16 एकम 16, जब मैंने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, माइनस आया, और जब मैंने फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, तो कितना आ गया, माइनस का 16। माइनस में आंसर नहीं दे सकते साथियों, माइनस में आंसर नहीं दे सकते, रिमाइंडर है वो माइनस में आंसर नहीं दे सकते, यानी शेषफल हम माइनस में नहीं बता सकते। तो क्या करें, 25 में से 16 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, रिमाइंडर 9 आ जाता है। कितना आ जाता है, रिमाइंडर 9 आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। देखो आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, चौहत्तर इंटू 60 इंटू 97 इंटू 94 को जब मैं 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो का शेषफल क्या होगा, का शेषफल क्या होगा, का शेषफल क्या होगा, ये देखना है हमें, तो कैसे करें। देख दोस्त, 74 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 94 को जब मैं 19 से डिवाइड करता हूँ, इनका भाग देता हूँ, तो शेषफल क्या आता है, जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, कैसे करें। यदि मैं नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो स्थितियाँ भयानक हो जाएगी, टाइम बहुत लगेगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्ट 19 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, उसके बाद हम भाग करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, और उसके बाद शेषफल देखेंगे। तो हमें क्या देखना है, हम जानते हैं 19 चौक 76 होता है, 76 है वो 74 से, 74 है वो 76 से 2 कम है तो -2। हम जानते हैं 19 57 यानी 60 प्लस 3, 19 5 95 यानी +2, और 19 5 95 यानी -1। ये माइनस प्लस वाला क्या कर रहे यार। तो देखो मैंने बोला 19 चौक 76, अपना जो इसके अंदर 19 चौक 76 आ रहा है ये 74 है, 74 है, उससे 76 क्या है, 2 बड़ा है, यानी हमारे पास 2 की कमी रह गई इसमें, इसलिए माइनस का सिंबल लगाया। 19 57 हमें इसमें 57 57 की आवश्यकता थी, लेकिन इसने 60 दे दिया, 60 दे दिया, तो हमने हमको क्या दे दिया, 3 ज़्यादा दे दिया, तो +3। 19 5 95 19 5 95 हमें आवश्यकता थी 95 की, लेकिन इसने क्या दे दिया, 97, हमें 2 ज़्यादा दे दिए, और 19 5 95 हमें आवश्यकता यहाँ थी 95 की, लेकिन हमें ये कम दे दिया, इसलिए सिंबल प्लस और माइनस। बहुत ही इजी वे से समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इजी वे से समझने की कोशिश करिए, माइनस प्लस का लोड नहीं लेना है हमें, तो सबसे छोटा नंबर देखना है। क्या देखना है दोस्त, सबसे छोटा नंबर देखना है, तो समझ। देख दोस्त अब क्या करूं मैं करता हूं 2 -2 मल्टीप्लाई +3 मल्टीप्लाई +2 मल्टीप्लाई -1।
पहले माइनस प्लस का आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल आपको माइनस और प्लस नहीं देखना है, आपको लोड लेना है। आपको जो देखना है वो देखना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू, ये देखो 3 इंटू 2 इंटू 3 छः, 6 इंटू 2 6 दूनी 12, 12 एकम 12, क्या आ गया 12। देखो जब मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। अब देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस। तो अपना शेषफल है वो क्या आ गया 12। शेषफल क्या आ गया 12 आ गया। यदि सर यहाँ ये ऐसा आ जाता माइनस का 12, तो क्या करते हैं, तो क्या करते, 19 में से 12 कटा देते, 19 में से 12, तो आंसर आ जाता 7। क्या आ जाता, आंसर आ जाते 7। अब देखो भाई और क्वेश्चन करते हैं दोस्त, आपको सिर्फ यही समझना है कि हमें तो छोटा नंबर लेना है, माइनस प्लस का लोड नहीं लेना है। आसान तरीके से शॉर्ट मेथड में से रिमाइंडर थ्योरम निकालने की कोशिश करनी है। यदि आपने एक बार ध्यान से ये क्वेश्चन जो करवाए हो ध्यान से देख लिए, तो जो रिमाइंडर थ्योरम है वो निकालना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, आपकी चुटकियों का खेल होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन ये है 284 × 74 × 176 प्लस 680 × कितने से कम, 284 × 74 × 176 प्लस 680 × 248 × 399 को जब मैं 25 से भाग करता हूँ, को 25 से भाग करता हूँ, तो का शेषफल क्या होगा, का शेषफल क्या होगा। देखो भाई सामने देखो, देखो बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए आपका, कैसे करें। मैं जानता हूँ कि 25 अंतिम दो अंक में भाग देता, 25 को जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो अंतिम दो अंक में भाग दे लो, तो देखो जो शेषफल है वो कैसे निकालेंगे। 25 75 25 75, इसके अंदर प्लस का 9 शेषफल, क्योंकि 75 से जो 84 है वो कितना ज़्यादा है, प्लस का 9। 25 75 - 1 और 25 75 + 1, आया समझ में। देखो 84 है, 84 है वो 75 से 9 ज़्यादा है, जो 74 है वो 75 से 1 कम है, और जो 76 है वो 75 से 1 ज़्यादा है। इसमें करता हूँ 25 75 + 5 और 25 × 50 यानी -2, और इसके अंदर 00 यानी 100 है। 25 यदि यहाँ 100 हो जाता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, लेकिन 25 00 हो जाता तो देखो 25 यानी -1। तो देखो अब क्या करें, 9 × 1 9 × 1 9 + × - तो माइनस, और -× + - तो माइनस का 9 प्लस, 5 × 2 10 10 एकम 10 + × - माइनस, -× - प्लस, तो ये हो गया प्लस का 10। तो 10 में से जब मैं 9 घटाता हूँ तो क्या बचता है, 1 बचता है, तो शेषफल कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। इसका शेषफल क्या होगा भाई, 1 होगा। समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल आसान इजी तरीका है, बहुत ही साधारण सी मेथड, नॉर्मल सा ध्यान रखना आपको, कि जब मैंने 84 में 25 का भाग दिया आप, तो 25 75 तीन बार पूरा पूरा भाग चला जाता है, रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 9 आता है। जब मैंने
74 के अंदर 25 का भाग दिया, तो 74 से अगली संख्या जो 75 आती है, यदि यहाँ 75 होता तो भाग पूरा पूरा चला जाता। माइनस का एक यहाँ रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे प्लस का एक रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे प्लस का 5 रिमाइंडर आ गया, यहाँ माइनस का 2 रिमाइंडर आ गया, यहाँ माइनस का एक रिमाइंडर आ गया। जब मैंने इसको हल किया तो 9 इंटू एक 9 इंटू एक 9 यानी 9, 5 इंटू 2 10, 10 एक कम 10 तो 10, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस। देखो ये तो आपको ध्यान में है ना, जब हम किसी संख्या को प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, यदि मैं माइनस को माइनस से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, प्लस आता है, और यदि मैं प्लस को प्लस से गुणा करता हूँ तो प्लस ही आता है, और यदि मैं माइनस को प्लस से गुणा करता हूँ तो माइनस आता है। ये तो ध्यान में है ना आपको, यदि मैं किसी संख्या को प्लस को माइनस से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, माइनस आता है। जब मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस आता है, जब मैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस आता है, और जब मैं माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, माइनस आता है। देखो भाई सामने देखो, पेन टपक गया नीचे। देखो और क्वेश्चन करते हैं, अब और क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो भाई पढ़ने के लिए किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब भी तुम आओगे मुझे बदला हुआ पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तो दोस्त पढ़ने के लिए किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, आपको नींद आ रही है तो भी पढ़ना होगा, यदि आपका मन नहीं हो तो भी पढ़ना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो का शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, क्या होगा। 43 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 55 को जब मैं 8 का भाग करता हूँ, को 8 से डिवाइड करता हूँ सॉरी, का शेषफल क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं 8 पंजो 40, 8 पंजो 40 यानी +3। हम जानते हैं 8 पंजो 40 और 8 छक 48 यानी +1। 8 छक 48 और ये आ गया 52, तो क्या करेंगे, 48 और 52 कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, या 8 2 56 या माइनस के भी ले सकते हो। देखो एक बार, 8 चक 48 यानी प्लस का 4 और 8 2 56 यानी यहाँ पे तो दोनों माइनस प्लस, कौन सा ही लेना चाहिए, -4। 8 चक 48 और 8 चक 48 8 2 56, जो 52 है उसे 56 4 ज़्यादा है, 56 है वो 4 क्या है, ज़्यादा है, और जो 48 है वो 52 से कितना कम है, 4 कम है, और यहाँ पे देखो क्या है, 8 2 56 जो है वो 1 कम रहेगा, तो इसमें आ गया -1। समझो देखो भाई, +3 +1 या -4 ले लो, या +4, एक बार -4 ले लो एक बार +4, पहले +4 लेकर देखता, -4 लेकर देखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ 8 चक कितना होता है, 48 होता है, या 8 2 56 होता है, 56 से 52 कितना कम है, 4 कम है, 8 6 56 होता है, 8 2 56 होता है, तो माइनस का 1 कम है। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 3 × 4 12, 12 × 1 12 यह आ गया 12, कितना आ गया 12, प्लस प्लस माइनस माइनस तो यह आ गया प्लस। मुझे आप ये बताओ क्या 12 रिमाइंडर आ सकता है, जब हम किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो 12 शेषफल कैसे आएगा, इससे तो छोटा आएगा ना शेषफल, इससे छोटा आएगा ना शेषफल, तो क्या कर देंगे, 12 को जब मैं 8 से भाग करता हूँ तो 8 एकम 8 शेषफल कितना आ जाता है, 4, शेषफल कितना आ जाता है,
चार आ जाता है, जो रिमाइंडर आता है वो कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। देखो यदि मैंने यहाँ प्लस लेने की कोशिश करूँगा तो क्या आएगा, देखो सेम आएगा, तीन इंटू एक तीन और तीन इंटू चार, चार तीन बारह। अब देखो प्लस 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 माइनस, तो ये आ गया माइनस का बारह, क्या आ गया माइनस का बारह। को जब मैं आठ से भाग करता हूँ, को मैं जब आठ से भाग करता हूँ तो क्या होगा। तो देखो इस सिंबल को नहीं देखना है, देखो आठ एकम आठ, यानी जब मैं बारह के अंदर आठ का भाग देता हूँ तो शेष पल आता है चार, और यदि आठ दूनी सोलह करूँ तो माइनस का चार। जब यहाँ माइनस का सिंबल हो तो माइनस वाला ले लेंगे, तो माइनस तो ये आ गया चार। देखो जब यहाँ माइनस का होगा तो माइनस वाला, ये तो बराबर हैं दोनों, ये तो इसमें तो दोनों बराबर हैं, यदि बराबर नहीं हुए तो जब यहाँ पर माइनस का हो तो आंसर क्या होगा, माइनस वाला होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर चार ही आना है, आंसर क्या आना है चार ही आना है। इस रिमाइंडर थ्योरम के आगे और क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये जो कन्फ्यूज है ना आपकी, ये दूर हो जाएगी माइनस प्लस की। आपको माइनस प्लस का बिल्कुल लोड नहीं लेना है, आपको लोड लेना है तो छोटे नंबर का ही लेना है बच्चों। दोस्त जो लोड लेना है आपको छोटे नंबर का लेना है, माइनस प्लस का लोड नहीं लेना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिमाइंडर थ्योरम के साथ, अपना अध्याय चल रहा है नंबर सिस्टम जिसमें हम शेषफल परिमेय जो निकाल रहे हैं, जो रिमाइंडर थ्योरम निकाल रहे हैं, वो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथियों आज तो हमारे जाने का समय हो गया है, मिलते हैं कल इसी अध्याय के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।